मिसाइलें लौटकर वापस नहीं आती। शब्दों से दुनिया घायल होती है और शब्दों में दुनिया के विचार बदलने की ताकत भी होती है, लेकिन परमाणु हथियारों से दुनिया सिर्फ तबाह हो सकती है। आज हम अमेरिका को रूस की तरफ से मिली परमाणु धमकी का विश्लेषण करेंगे। रूस ने एक तरह से अमेरिकी जनता के गले पर न्यूक्लियर चाकू रखकर साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका या तो डोनाल्ड ट्रंप को नया राष्ट्रपति चुने या फिर परमाणु हमले के लिए तैयार रहे। अमेरिका में अब से कुछ घंटे के बाद हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। अब तक हुई दो डिबेट्स में हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप से शब्दों वाला युद्ध जीतती आई है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक दो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के बाद 51% अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि वो हिलरी क्लिंटन को वोट देंगे, जबकि 40% लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं। बाकी के 9% लोग अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो किसे वोट देंगे। अमेरिका के लोग भले ही हिलरी क्लिंटन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हों, लेकिन रूस को हिलरी क्लिंटन बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल हिलरी क्लिंटन मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बराक ओबामा को कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए पुतिन हिलरी क्लिंटन को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि जीतने के बाद हिलरी क्लिंटन ओबामा की ही नीतियों का पालन करेगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं और वो पुतिन को अपना दोस्त भी बता चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका सीरिया और यूक्रेन में रूस की दखल अंदाजी से नाराज है। इस नाराजगी की वजह से दोनों देशों के बीच कई महीनों से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अमेरिका द्वारा रूस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के मुताबिक पुतिन के इशारे पर रूस के हैकर्स ने क्लिंटन के चुनावी प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की है और डोनाल्ड ट्रंप की मदद की है। कुछ दिन पहले रूस के सांसद और पुतिन के करीबी नेता व्लादिमीर ज़ायरी नोवस्की ने अमेरिका के लोगों को सीधे तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जिताएगा तो रूस अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। इन दिनों पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला है, लेकिन अमेरिका के चुनावी माहौल में एक नया समीकरण बन रहा है और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेस की शुरुआत करने वाले रूस और अमेरिका ही इस वक्त न्यूक्लियर बटन दबाने की दौड़ में सबसे आगे है। अमेरिका के साथ बढ़ते विवाद को देखते हुए रूस ने तो परमाणु हमला करने और हमले से बचने की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पोलैंड के बॉर्डर के पास नई न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस ने कुछ दिन पहले ही पूरे देश में 4 करोड़ आम लोगों के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल भी की थी। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को परमाणु हमले से बचने के तरीके सिखाना था। इस मॉक ड्रिल में 4 करोड़ रूसी नागरिकों के साथ साथ 20,000 सुरक्षा कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था और माना जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच किया गया। रशिया के कुछ सरकारी न्यूज चैनल्स ने यह भी दावा किया है कि रूस ने मॉस्को में न्यूक्लियर बंकर्स तैयार कर लिए हैं और इन बंकर्स में 12 लाख लोगों को शरण देने की क्षमता है। आपको याद दिला दें कि जब कभी परमाणु हमला होता है तो हमले की चपेट में आने वाली लगभग सभी इमारतें, पेड़ पौधे, इंसान और जानवर तबाह हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बंकर्स ऐसी अंडरग्राउंड इमारतें होती हैं जो न्यूक्लियर हमलों को झेल सकती हैं। इन बंकर्स में खाने पीने का सामान और संचार की सुविधाएं मौजूद होती हैं और इन बंकर्स में शरण लेने वाले लोग यहां कई महीनों तक रुक सकते हैं। इसके अलावा रूस के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक सभी अफसरों से कहा गया है कि वो दूसरे देशों में बसे अपने रिश्तेदारों को जल्द से जल्द वापस रूस बुला लें। यानी पूरी दुनिया ही इन दिनों न्यूक्लियर पहेली में उलझी हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रूस पर नहीं लेकिन अपने दूसरे दुश्मनों पर परमाणु हमला कर सकते हैं। हिलरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी तो रूस अमेरिका पर ही हमला कर सकता है। पाकिस्तान में सेना और आतंकवादी अगर मिलकर सत्ता में आ गए तो वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार भी खुलेआम भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रही है। यानी दुनिया के बड़े बड़े देश न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फुटबॉल समझने की भूल कर रहे हैं और मौजूदा हालात में कई देश न्यूक्लियर फुटबॉल से सेल्फ गोल भी कर सकते हैं।
8 नवंबर को हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप में से जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा उसे सिर्फ दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रीफकेस भी मिलेगा। काले रंग का यह ब्रीफकेस दुनिया को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल सकता है। यह वो ब्रीफकेस है जो हर वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ रहता है। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इस ब्रीफकेस को खोलकर अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने में हवाई जहाजों, पनडुब्बियों और मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। इस ब्रीफकेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खास किस्म के कार्ड का इस्तेमाल करना होता है जिसका कोड नेम है बिस्किट। बिस्किट पर लिखे कोड का इस्तेमाल करके अमेरिकी राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकता है। रूस ये बात अच्छी तरह से जानता है लेकिन रूस भी एक बड़ी परमाणु शक्ति है और रूस कई बार अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। हाल ही के दिनों में रूस ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि जल्द ही अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। Recently, a senior Russian official, ambassador to the United Kingdom, Alexander Karamenko, and he said, quote, Russia can now fight a conventional war in Europe and win. Russia is the only country that will remain relevant forever. Any other country is dispensable, and that includes the United States. We are endgame now, end quote. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy, and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. रूस पर हैकिंग के जरिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल रूस चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावनाएं कम होने के साथ ही रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंकाएं बढ़ने लगी। 2014 में रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था, तब रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ गया था। इसके बाद सीरिया में रूस बशर अल असद का साथ देने के लिए कूद पड़ा। इसने भी अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी बढ़ा दी और अब रूस ने पोलैंड की सीमाओं के पास परमाणु मिसाइलें तैनात कर अमेरिका और नेटो संगठन के देशों का गुस्सा एक बार फिर बढ़ा दिया है। लेकिन रशियन मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा लगता है कि रूस ने इस बार आर या पार का मूड बना लिया है। रूस ने खुले तौर पर अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी तो दी ही है, खुद को परमाणु हमलों से बचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। Americans voting for president on November 8th must realize that they are voting for peace on planet Earth if they vote for Trump. But if they vote for Hillary, it's war. रूस में सेना परमाणु, जैविक, केमिकल और दूसरे किस्म के हमलों से बचने की ट्रेनिंग अपने नागरिकों को दे रही है। ऐसे ही एक मॉक ड्रिल के तहत 3 दिनों तक रूस ने 4 करोड़ लोगों को हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि रूस की राजधानी मॉस्को में 12 लाख लोगों के रहने लायक न्यूक्लियर बंकर भी तैयार कर लिए गए हैं। यानी एक तरह से रूस ने मॉस्को पर हमला होने की सूरत में 100% आबादी को बचाने की योजना बना ली है। इतना ही नहीं, रूस में ऊंचे पदों पर तैनात अफसरों से कहा गया है कि वो बाहर के देशों में बचे अपने करीबियों को वापस बुला लें और ऐसा करने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों को प्रमोशन रोकने की भी धमकी दी गई है। यानी दुनिया भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को न्यूक्लियर वॉर और तीसरे विश्व युद्ध का संकेत मानती हो, लेकिन सच यह है कि दुनिया की दो महाशक्तियां आज भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको हमने बताया कि कैसे रूस ने अपने नागरिकों को परमाणु हमले से बचने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। आपको ये भी जानकारी आज देना जरूरी है कि परमाणु हमले से बचने के लिए जिन न्यूक्लियर बंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनका निर्माण
बहुत मजबूत मटेरियल से किया जाता है ताकि बड़े परमाणु हमलों को झेला जा सके। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कई बार अमेरिका में न्यूक्लियर बंकर्स न होने का मुद्दा उठा चुके हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर बंकर्स की संख्या को लेकर कोई औपचारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अमेरिका में कई अमीर लोग परमाणु हमलों से बचने के लिए निजी तौर पर न्यूक्लियर शेल्टर्स का निर्माण कर रहे हैं। इन न्यूक्लियर बंकर्स में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में लोग कई लाख डॉलर्स खर्च करके ई कॉमर्स वेबसाइट से न्यूक्लियर बंकर्स खरीद सकते हैं। रूस सहित कई देशों ने योजना बनाई है कि वो परमाणु हमला होने की स्थिति में सबवेज और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल न्यूक्लियर बंकर के तौर पर कर सके। परमाणु हमलों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित देश इस वक्त स्विट्जरलैंड को माना जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में घरों का निर्माण करते वक्त न्यूक्लियर शेल्टर का निर्माण करना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस वक्त स्विट्जरलैंड में वहां की आबादी के मुकाबले जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं, जबकि जर्मनी में सिर्फ 3% आबादी के पास ऐसे न्यूक्लियर शेल्टर्स उपलब्ध हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया में 30%, फिनलैंड में 70% और स्वीडन में 81% लोगों के पास परमाणु हमलों से बचने की सुविधा मौजूद है। जनता के पैसे पर विदेशों में स्टडी टूर्स पर जाने वाले हमारे देश के नेताओं को इन देशों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता सरकारी खर्च पर विदेशों में स्टडी टूर्स पर तो चले जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ सीखकर नहीं आते, और अगर सीखकर आते भी हैं तो उन्हें होने वाले ज्ञान लाभ का जनता को कभी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने सिस्टम में कभी कोई बदलाव नहीं करते। हमारी टीम ने भारत में न्यूक्लियर बंकर्स और शेल्टर्स की संख्या जानने के लिए आज पूरे दिन गहन रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि भारत में भी इससे जुड़ा कोई औपचारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शहर पर कभी परमाणु हमला हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे दुख की बात यह है कि हमारी सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया है और ना ही आपको कभी इस बारे में कुछ बताया है, जबकि अब तक आपके पास इस बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि बाकी देशों के जो नेता हैं वो अभी से आने वाले समय में होने वाली समस्याओं को लेकर कितनी तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने देश के लोगों को न्यूक्लियर अटैक से बचने की ट्रेनिंग देना अभी से शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे देश में अभी इसके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं और सिर्फ बातचीत तक मामला सीमित है, इसलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि परमाणु हमलों के केंद्र को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि इससे आप अस्थायी तौर पर अंधे हो सकते हैं। परमाणु हमला होने की सूरत में अपने आसपास सबसे मजबूत बिल्डिंग में शरण लें। आप जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश करें। परमाणु हमला होने के फौरन बाद आग का तूफान अपने दायरे में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है और आसमान से गिरने वाला रेडियो एक्टिव कचरा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए न्यूक्लियर बंकर या बेसमेंट में शरण लेने के बाद जल्दी से अपने कपड़े उतार कर नहा लें। उतारे गए कपड़ों को अच्छी तरह से सील कर दें ताकि उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको और आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। संभव हो तो अपने शरीर को साबुन या शैंपू से अच्छी तरह साफ करें और इस दौरान शरीर को रगड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। जब तक मदद ना पहुंचे बाहर निकलने की भूल ना करें। हो सके तो अपने साथ बैटरी से चलने वाले रेडियो को रखें। इस रेडियो को संचालित करने के लिए आपको कई बैटरीज भी अपने साथ रखनी होंगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मदद देने से जुड़ी हुई पहली खबर या पहली घोषणा रेडियो के जरिए ही आप तक पहुंच सकती है, क्योंकि बाकी तमाम संचार की व्यवस्थाएं तब तक नष्ट हो चुकी होंगी। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है तो अपनी जानकारी में किसी सुरक्षित बेसमेंट में कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रखें। ऐसे बेसमेंट्स को फॉलआउट शेल्टर भी कहा जाता है। खाने पीने के सामान को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होगा और पीने के पानी के लिए भी यही सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद राहत पहुंचने का इंतजार करें और कोई निर्देश मिलने पर ही वहां से बाहर निकलें। वैसे हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इन उपायों की जरूरत कभी ना पड़े और हमारे देश में तो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि परमाणु हमले में अगर इंसान बच भी जाए तो इंसानियत जरूर मर जाती है।
और परमाणु हमलों में बचने वाले लोगों की जिंदगी भी दोबारा कभी पहले जैसी नहीं बचती। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा कि हमारी सरकार ने अभी तक आपको इसके बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन कौन जाने आने वाले भविष्य में क्या हो जाए, जिसमें परमाणु हमला भी हो सकता है। लेकिन क्या आप परमाणु हमले के लिए तैयार हैं? तो आज दिन भर हमने इस बारे में रिसर्च किया और हमें लगा जो टिप्स हम आपको आज दे सकते हैं वो जरूर देने चाहिए।